तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो दोस्तों हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो होने वाली है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट या फिर टू मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो थी हमारी चल रही थी, क्लासिकल थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। और जो क्लासिकल थ्योरीज के अंदर जो तीन ब्रांचेस आती हैं वो होती है ब्यूरोक्रेटिक होती है पहले, तो फिर होती है वहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट की, फिर जो हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं वही है यहाँ पर। उसके अंदर तीन पार्ट उसके अंदर मेनली होते हैं। जो आता है क्लासिकल न्यू क्लासिकल थ्योरीज उसका ही यहाँ पर पार्ट होता है यहाँ पर, ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। जो ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किस बारे में आती है, इसमें एक तरह से सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि ये इम्पोर्टेंट देता है इंसान के इमोशन और फीलिंग्स को, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब काम कर रहा है इंसान वहाँ पर, तो उसके कोई फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसकी नीड्स हैं सोशल, जब तक वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगे तो इंसान कंपनी में सही से या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सही से वो काम नहीं कर पाएगा। सो, यहाँ पर क्या देखा हमने, जो ये ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी है वो साइंटिफिक जो मैनेजमेंट थ्योरी थी यहाँ पर, उसको यहाँ पर ये क्रिटिसाइज़ करते हुए यहाँ पर आई। इसमें क्या था, जो साइंटिफिक थ्योरी थी उसमें क्या कहा गया कि जो इंसान के साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ इंसान के जो वर्कर हैं यहाँ पर उनके, उसको इम्पोर्टेंस तो दी ही नहीं गई थी यहाँ पर। सिंपल बात की गई, हम साइंटिफिक मेथड से चेक करेंगे कि इंसान क्यों काम नहीं कर रहा, कैसे नहीं कर रहा काम, और उससे हम काम करवाएंगे बस यहाँ पर। अब उसके शारीरिक इतनी क्षमता है नहीं, मान लीजिए कोई इंसान देखने में हट्टा कट्टा लग रहा है, हो सकता है बीमार हो वो अंदर से, हो सकता है कोई इसको दुख लगा हुआ ऐसा यहाँ पर हो, फीलिंग उसकी अच्छी ना हो उस टाइम, वो नहीं कर पा रहा काम, तो उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी जो होती है उसने इम्पोर्टेंस नहीं दी यहाँ पर। उसने उतनी इतना इम्पोर्टेंस दी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने काम हो काम हो, बस कैसे करके काम होना चाहिए। मगर जहाँ ये थ्योरी आई, जो ये थ्योरी है ह्यूमन रिलेशन की थ्योरी, इसने उसके इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, मेंटल, फिजिकल जो सारी चीज़ें होती हैं उन सब पे यहाँ पर जोर दिया। ठीक है, सो ये थ्योरी ये कहती है कि जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच थ्योरी जो है यहाँ पर, ये बात करती है कि जब हम वर्कर के मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देते, तो वर्कर जो है वो काम दिल ला के नहीं कर सकता, सीधी सी बात है वो नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए कहीं आप जॉब कर रहे हैं और आपके जॉब करते में आपको बड़ी इज्जत मिल रही है, प्यार मोहब्बत मिल रही है, लोग आपसे मिलजुल के बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो शेयर कर रहे हैं आपसे और आपकी दिक्कत को सुन भी रहे हैं यहाँ पर, और एक तरह से फैमिली बन गई वहाँ पर कंपनी के अंदर ही आपकी किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो आपका दिल ऑटोमेटिकली उस चीज़ में लगेगा, काम करने में मन लगेगा आपका। जब आप वहाँ पर ये देखोगे कंपनी के अंदर मुझे सिर्फ वो नौकर मानना है, मशीन मुझसे काम करवा रहे हैं, तो आपका दिल खुद ब खुद नहीं लगेगा काम के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हम ये कह रहे हैं, दे डिड नॉट अचीव अ हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। तो जो ये चाहती है कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज चाहती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि वो एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें और हायर लेवल पे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, तो वो अचीव नहीं हो पाए जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा मैनेजमेंट के और वर्कर के बीच में यहाँ पर। अब ये कब होगा, जब उनके बीच अच्छी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो ये कहता है कि क्लासिकल जब अप्रोच है वो फेल हो गई इस चीज़ को करने में, क्योंकि देखो उसमें ये था कि एक्सपेरिमेंट करें, उन्होंने टाइलर ने एक्सपेरिमेंट करे बहुत सारे वहाँ पर, उन्होंने देखा कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, तो उन्होंने फीलिंग को देखा ही नहीं इंसान की, उन्होंने देखा कि भाई इंसान क्यों काम नहीं कर रहा, चलो घंटे घटाते हैं हम, घंटे बढ़ाते हैं टाइम के, ठीक है लाइट बढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं हम, तो उन्होंने चीज़ें ऐसी करी कि जो इंसान की जो सोशल लाइफ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो उससे क्या हुआ, सिर्फ ये मतलब यहाँ पर ये रहा कि हम बात इस तरह कर रहे हैं कि इंसान काम क्यों नहीं कर रहा है, उसने इसको सैलरी बढ़ा दो उसकी तो काम करेगा, साइंटिफिक बात हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर रही। जो ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है ये बात करती है, टारगेट करती है किस चीज़ के ऊपर, इंसान के साइकोलॉजिकल और जो सोशल एस्पेक्ट हैं इंसान के उनको, तो इससे अच्छा काम बनता है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू जो ये साइकोलॉजिकल ह्यूमन रिलेशन की जो थ्योरीस्ट हैं यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम ऑफ इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर क्या है, इंटरपर्सनल है, कि हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंड है यहाँ पर, जब एक बनाएगा तो दूसरा उसको बेचेगा, जब एक पार्ट को जोड़ के इंसान देगा दूसरा काम उसको करके देगा,
तो जो फाइनल गोल अचीव जो होगा, जो प्रोडक्शन, जो मतलब हम कह रहे हैं कि जो हमें गेन करना है, जो सामान बनाना है, जब तक हमें मिल पाएगा यहाँ पर, अब किसी में भी यहाँ पर दोस्ती में दुश्मनी पड़ी यहाँ पर तो काम ख़राब हो जाएगा। और कई सारे ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, ये प्रोडक्शन कर रही है, ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर रही है, सेल कर रही है, तो ये अगर प्रोडक्शन रहेगी तो ये किस चीज़ का प्रोडक्शन वो करेगी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, जब ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी तो ये बेच भी नहीं पाएंगे सही से उस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोशल सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है यहाँ पर, तो इसमें क्या हो गया कि दे गिव इम्पोर्टेंस टू मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो ह्यूमन सोशल थ्योरी है यहाँ पर वो इम्पोर्टेंस देती है इंसान के मैनेजमेंट को, जो वर्कर्स हैं उनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, ना कि यहाँ पर दूसरी चीज़ों को हम देखें। द फेल दैट मैनेजमेंट कैन गेट द वर्क डन फ्रॉम वर्कर बाय सेटिस्फाइंग देयर सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, जो ह्यूमन जो यहाँ पे थ्योरिस्ट हैं ह्यूमन सोशल थ्योरी के, वो ये कहते हैं कि जब हम जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर, उनकी जो सोशल और साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाते हैं तो वो काम अच्छे से कर पाएंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा, काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी और काम अच्छे से हो पाएगा। अब सपोज़ कर लीजिए, मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब है, वहाँ पर कंपनी में काम करने में पहुँच गया, वो गया इसलिए कि उसको ज़रूरत है पैसे की अपने घर को बच्चों को पालने के लिए, तो पहुँच गया बीमार है यहाँ पर। अब कंपनी का मालिक आके उससे कहता है तबीयत ख़राब है आपकी, कोई बात नहीं, थोड़ा 2 घंटे घर चले जाना, चलो आधे घंटे का रेस्ट कर लो यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, जो साइकोलॉजिकल जो नीड है उसकी फुलफ़िल हो गई यहाँ पर। अब सोशल में क्या है कि सैलरी भी नहीं कटेगी उसकी उस दिन की, मतलब जो उसका वेजेस को मिलने हैं वेजेस ही मिल जाएगा उसको यहाँ पर। तो जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो अगले दिन जो तबीयत ठीक हो जाएगी उस इंसान की, जब वो लौट के वापस काम पर आएगा तो वो काम करेगा मन लगा के बड़े प्यार से, ठीक है। और जो ये ह्यूमन जो हम बात करते हैं कि जो थ्योरी है ह्यूमन रिलेशन की, ये डेवलप हम बात करें कि अर्ली 90s में शुरुआत हो जाती है, मगर वो जो थ्योरिस्ट आते हैं यहाँ पर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे इसके ऊपर, उन्होंने इसको सही से लिखा नहीं थ्योरी को यहाँ पर। फिर आते हैं यहाँ पे एल्टन मायो, जो कि अमेरिकन है यहाँ पर, उन्होंने इस चीज़ को लिखा भी, समझा भी, जाना भी पूरी तरह से। उन्होंने कई ग्रुप्स को इकट्ठा करा, साथ में उनके कुछ साइंटिस्ट भी थे, रिसर्चर्स भी थे, तो फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा लोगों के ऊपर, ठीक है। और यही जो एक्सपेरिमेंट होते हैं यहाँ पर, हम इसे कहलाते हैं हॉथरो एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इनको। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी यहाँ पर जहाँ पर किए गए थे यहाँ पर, और ये कहाँ पे थी, शिकागो, जो कि अमेरिका के अंदर है। और 1950 से लेकर 1938 तक ये जो एक्सपेरिमेंट हैं लगभग चलते हैं इस टाइम। और यहीं से जो ये हॉथरन एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वहीं से जो उन्होंने पॉइंट आउट करे, जो उन्होंने प्रिंसिपल देखे चीज़ें, जो चेंजेस देखे, उन्हीं को उन्होंने यहाँ पर थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट से कहा, ठीक है। तो ये डेवलप यहाँ पर हो गई। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत सारी करेंगे यहाँ पर, इसमें थ्योरी के अंदर क्या क्या होंगी। दिस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश द कॉज एंड रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड साइकोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस इन द वर्कर प्रोडक्टिविटी। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने क्या पाया इसके अंदर, उन्होंने ये पाया कि जब इंसान के जो सोशल हो और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो उनके बीच कॉजेज़ हैं कि अगर इंसान की सेहत अच्छी है तो वो काम अच्छा करेगा यहाँ पर, तो उन्होंने इन्हीं चीज़ों को देखा कि ये चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस इनका यहाँ पर होता है। अब देखो, किसी की तबीयत ख़राब है, उसके हाथों में दर्द हो रहा है या चोट उसके लग गई है, कंपनी में वो पहुँच गया है कि इसने कि भाई कुछ दिहाड़ी मिल जाएगी काम करने की, कुछ काम में कर लूँगा कंपनी जाकर, चाहे हाफ डे कर लूँ। अब मालिक चाह रहा है कि मैं निचोड़ लूँ इसको बिल्कुल तरीके से, तो वहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी नहीं होगी सही तरह से। तबीयत ख़राब है, बीमार है, जख्मी इंसान है, कैसे काम कर लेगा यहाँ पर वो। तो ये जो चीज़ें हैं उन्होंने यही पाया कि एक्टिविटी, जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी यहाँ पर, हालांकि जो मैंने कहा वो तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं करे फ़िलहाल, मगर कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हॉथरन में हुए थे। अब देखते हैं हम यहाँ पर इनके जो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको अगर आप दूसरे से लिखना चाहें तो आप इसको भी कह सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट। देन तीसरा आप जो बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, कई जगह से इनका अलग नाम इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, हॉथरन एक्सपेरिमेंट जो हुए थे उस टाइम, जो चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट करी
वो पॉइंट ऑफ जो चीज़ें हुई वही यहाँ पे प्रिंसिपल इनके बन जाते हैं। यहाँ पर मैनी फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। चार यहाँ पे मेन फैक्टर्स कहे गए हैं जिनको इन्होंने एक्टर्स कहा है यहाँ पर। अब ये एक्टर जो हैं इनके अंदर ही यहाँ पे हमने काम को चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। दीज फैक्टर्स आर कैटेगराइज ए नंबर ऑफ वेज, इसको हमने चार वेज में डिवाइड करा है। बट सिंपलेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज़ टू डू बाय एक्टर, हमने एक्टर इनको कहा कि हमें आसानी हो जाए। यहाँ पर फोर एक्टर हैं। यहाँ पर पहला है एम्प्लॉयज़, जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर है जो इफेक्ट करता है। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय मतलब जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनका। सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर द ऑर्गेनाइजेशन, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंदर एम्प्लॉयज़ भी हैं, सुपरवाइज़र भी हैं, मैनेजर भी हैं, और जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयज़ यहाँ पर है ही हैं। तो ये चार यहाँ पर फैक्टर हैं। पहला फैक्टर यहाँ पर ये रहेगा कि इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉय कोई एक है, चार हैं, पाँच है, जो भी लोग हैं वहाँ पर, कि उनके जो हम नीड्स हैं, सेटिस्फाइंग नीड जो चाहिए उनको वो चेक करेंगे हम यहाँ पे, कि ग्रुप जब बन जाएगा वो काम कैसे करते हैं उसको चेक करेंगे यहाँ पे। जो सुपरवाइज़र हैं, जो मैनेजर हैं, जो उनका एटीट्यूड है काम करवाने से, जो उनसे लोग काम करवा रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए कैसा एटीट्यूड रहना चाहिए उनको, ये चीज़ें। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए रवैया क्या रखती है। सो ये जो हमने बात करी यहाँ पर, ये चार एक्टर्स हैं, मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चार फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि जिस पे यहाँ पे स्टडी की गई और जो कि ये हमारे जो प्रोडक्टिविटी है उसको इफ़ेक्ट करता है। इनके जो आपस के बीच कोऑर्डिनेशन हो, रिलेशन हो, और हम दूसरे कह सकते हैं चीज़ें जो यहाँ पर होती हैं एक कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में, या फिर जो एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में होती हैं, वो सारी चीज़ें एक्टर्स के अंदर आती हैं यहाँ पर। जब ये हम इन एक्टर्स को या फिर जो कैटेगरीज हमने कही हैं समझ लेंगे प्रोसेस को हम, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इन जो ये एक्टर्स हैं इनका यहाँ पर क्या योगदान है, मतलब क्या इनका यहाँ पर रोल होता है, प्ले करती हैं ये रोल अपना, तो हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर की जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से हमने उसका ऑप्टिमाइजेशन करना है, मोटिवेट करना है, और जिससे यहाँ पर क्या होगा प्रोडक्टिविटी देन इंक्रीज पर इंक्रीज़ होती जाएगी, और जो कंपनी है या जो इंडस्ट्री है, जो भी चीज़ है, वो उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कई सारे मैंने बताए थे आपको प्रिंसिपल, और जो प्रिंसिपल आएंगे वो यहीं से आएंगे जब इनको हमने स्टडी करना शुरू करा हॉथरॉन, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके ज़रिए से। और जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट हुए थे यहाँ पर, चार मेन एक्सपेरिमेंट थे उसके अंदर, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसको डिस्कस कर लेते हैं इनके। तो पहला है यहाँ पर ट्रीट एम्प्लॉयज़ वेल एज इंडिविजुअल, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है उसको इंडिविजुअली आप उसको ट्रीट करिए। मतलब कंपनी के अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो 100 लोगों के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं होने चाहिए, रिलेशनशिप आपको होना चाहिए, मतलब बोलचाल हो, सलाम दुआ होनी चाहिए, आप उनसे पूछ लो उनका हाल चाल कैसे हो, क्या कर रहा हो, घर में क्या चल रहा है, इतनी बात भी अगर पूछोगे ना आप एम्प्लॉयज़ से, तो एम्प्लॉयज़ भी समझता है कि मुझे अपने घर का मेम्बर मानना है, कम से कम मुझे इज्जत तो दे रहा है यहाँ पर ये, तो उसके दिल में जब ये बात आएगी ना तो वो आपके लिए जी जान से काम करेगा यहाँ पर। अब ये जो चीज़ मैंने कही कि 100 लोग हैं, तो एक बंदा 100 लोगों को हैंडल नहीं कर सकता, सीधी सी बात है आसानी से। अब जब हम बात करेंगे मास स्केल पे, बड़ी कंपनी में बात करते हैं, इंडस्ट्री में, तो मैं तो हज़ारों लोग काम करते हैं, कैसे हो जाएगा ये। तो इसके लिए जो हायरार्की है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पिरामिड सिस्टम, यहाँ पर है कि CEO है, फिर मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, देन यहाँ पर, तो ये एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे इस तरह से, मतलब ट्रीट करेंगे एक दूसरे को यहाँ पर। तो इसमें जो कहा गया, ईच एम्प्लॉयज़ नीड इंडिविजुअल मोटिवेशन एंड रिस्पेक्ट। अब मोटिवेशन तो यहाँ पर ये भी हो सकती है कि भाई तुमने काम करा, शाबाश, अच्छा काम करता है लड़का, ये आदमी अच्छा काम करता है, ये बहन अच्छी काम करती है, हमारी कंपनी संभाल लेती है, चीज़ को कर लेती है, तो ये इंडिविजुअल मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मोटिवेशन हो गया। जब वो अच्छा काम करेगा, कोई सामने उसके पास आएगा, तो उसको आप जब दिखाओगे कि देखो ये बंदा मेरे कंपनी में काम करता है, बहुत अच्छा आदमी है यहाँ पर, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको इज्जत मिलेगी कि ये अच्छा इंसान है, तो क्या होगा, उसका दिल लगेगा कंपनी में काम करने में ऑटोमेटिकली है। अभी जो साइंटिफिक है ना, वो चीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, साइंटिफिक थोड़ी है ये, तो इंसान के दिल की फीलिंग है, इमोशन है इसके इंसान के, तो वो चीज़ यहाँ पर काम करेगी। बिकॉज ईच हैव इज ओन हैज ओन वन ओन यूनिक पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस कैपेबिलिटीज़ सरकमटेंस थाट्स बिहेवियर एंड अदर फैक्चर सॉरी फैक्टर्स फ्रैक्चर तोड़ दिया मैंने उसे। मतलब जो हर इंसान है उसका अपना क्या है, कोई पर्सनैलिटी होती है, किसी की जबान तेज़ होती है बोलने में, किसी का जबान कम बोलने में होती है, मगर काम अच्छा करता है फिर भी वो,
कोई चटर चटर लगातार बोलते थे, बकबक करता था, काम नहीं करता यहाँ पर, तो उसको आप बोलने वाले काम में लगा दो एडवर्टाइजमेंट में। और दूसरा है कि एक्सपीरियंस है इंसान का, कि हर इंसान की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो काम ये कर सकता है, वो शख्स याला जो इंसान जो है वो शख्स याला फिटिंग का काम कर सकता है, कोई इसका काम कर सकता है, अलग अलग काम इंसान की यहाँ पर है, हद है किसी की यहाँ पर, थॉट्स है, नज़रिया है, बिहेवियर है। किसी का बिहेवियर जो कंपनी में मालिक होता है उसके लिए बड़ा अच्छा होता है, और मालिक का भी अच्छा होता है उसके लिए। कुछ रूड होते हैं तो उनके लिए रूड का रूड बिहेवियर बन जाता है हमारा यहाँ पर। तो बहुत सारे यहाँ पर जो फैक्टर्स होगा यहाँ पर, वो मोटिवेशन में भी काम आएंगे, रिस्पेक्ट में भी। सो मैनेजमेंट नीड टू मोटिवेट देम इन देयर मैनर, जिसका जैसा मिजाज है उसको उस तरह से मोटिवेट करो। कोई इंसान है जिसे दो लफ्ज़ मीठे बोल बोल लोगे तो मोटिवेट हो जाएगा वहीं पर, वो थोड़ी सी उसको इज्जत मिल जाएगी तो मान जाएगा। कुछ चंट इंसान होता है, बहुत चंट होते हैं बहुत से लोग, तो उनको क्या है कि उनके अंदाज में ही आप उनको मोटिवेट करो, अरे ये लड़का तो काम का है, बहुत जानते हो आप, तो उसको ऐसे करोगे, वो चंट है तो चंट की तरह बात करो उससे, ठीक है। तो ये चीज़ अब यहाँ पर होगी तो ये पहला हमारा हो जाएगा कि इंडिविजुअल को यहाँ पर ट्रीट करो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर होता है हमारा प्रमोट पॉजिटिव ग्रुप वैल्यू एंड रिलेशनशिप। जो ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं यहाँ पर, कोई मान लो मैंने कहा आपसे कई बार, मैंने वही चीज़ कही, एक ही चीज़ में बार बार ही करता हूँ, वही कंपनी वाला हिसाब है, तीन कंपनी में पार्ट है कि यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग वाला है, इसके अंदर भी 10 ग्रुप होंगे, ज़रूरी नहीं है ग्रुप यहाँ पर हो, कि कोई मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड चिपका रहा है, कोई कैमरा लगा रहा है उसके ऊपर, कोई इसको सील पैक कर रहा है यहाँ पर, तो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। तो इनको क्या होगा कि इनके जो ग्रुप है इनमें क्या होना चाहिए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए आपस में काम करने वालों के बीच में, मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप को हम प्रमोट करेंगे कि ग्रुप बन के काम हो रहा है, कि ये ग्रुप अच्छा काम करता है, और ये लोग जब मिलकर काम करते हैं तो काम अच्छा होता है, दोनों चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रमोट करना है। जब हम प्रमोट करेंगे तो जो ग्रुप होंगे वो मिल के काम, मतलब क्या है कि जब काम को मिल बैठ के हम कर लेंगे, जैसे हमने कहा ना कि होनी को अनहोनी कर दे जब एक जमा जगह जमा जमा हो तीनों, जो भी हैं ये तीनों लोग अब ABCD जो हम कंपनी में लोग हैं वहाँ पर तक जमा हो गए, तीनों काम करेंगे, तिकड़मबाजी करेंगे यहाँ पर, तो काम अच्छा होता है, तो हम उनको ग्रुप को प्रमोट करें कि हाँ ये लोग काम बढ़िया से करते हैं, तो ये लोग साथ में काम कर लें, चाहे भले से वो बात करते रहते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कहा कि इंडिविजुअल हैव सोशल नीड, इट्स है इंसान की जो अपनी अपनी सोशल नीड्स हैं यहाँ पर, ज़रूरतें हैं यहाँ पर, इंटरेक्ट टुगेदर इन द वर्क प्लेस, ग्रुप फैक्टर्स बस्ट ऑल्सो प्ले एंड रोल इन एम्प्लॉय मोटिवेशन। हर इंसान की जो है सामाजिक ज़रूरत है, कोई इंसान ये है कि जब काम कर रहा हो वो चुपचाप नहीं बैठ सकता वहाँ पर उसे गाने सुनने, किसी को ये है कोई बगैती करने वाला इंसान मिल जाए, बकबक करने वाला, तो मन लग जाता है और काम खिंच जाता है बड़ी तेज़ी से यहाँ पर। किसी को यहाँ पर ये है कि भाई कोई दूसरा फैक्टर है उसके लिए, जब उसको मौका मिलता है इस चीज़ का तो उसका क्या होगा यहाँ पर, मन लगेगा और वो काम करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि एक इंसान आपस में बोलता रहेगा, ग्रुप बनेगा वहाँ पर, तो उसी ग्रुप को हमें प्रमोट करना है कि तुम लोग साथ बैठो और काम निपटा लो, तुम जो लोग काम मिलती कर लेते हो जल्दी जल्दी, हमारा हमें दिक्कत नहीं कि तुम बात करो या कुछ भी करो इसमें। और यही चीज़ यहाँ पर हमने बात कही थी, जो हॉथरोन यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें कुछ औरतों को बिठाया गया था, जहाँ पर औरतें चुपचाप नहीं बैठ पाती तो उनको बात करने का मौका मिला है, यहाँ पर उन्होंने काम अच्छा करा बात करते करते। देन हम यहाँ पर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इम्प्रूव मस्ट प्रोवाइड प्रमोट सॉरी पॉजिटिव ग्रुप वैल्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट सोशल प्रेशर विल प्रोड्यूस टीम वर्क एंड पॉजिटिव एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जब हम ग्रुप को ग्रुपिज्म यहाँ पे जो है उसको प्रमोट करेंगे, उससे क्या होगा कि जो लोगों की वैल्यू है, रिलेशनशिप जो बनेगी आपस में वो अच्छी हो जाएगी यहाँ पर, तो इससे क्या होगा जो एटीट्यूड है बिहेवियर एक दूसरे के लिए वो अच्छा होगा, प्यार मोहब्बत वाला यहाँ पर होगा, एक दूसरे से हम रूड बिहेव नहीं करेंगे, और फिर काम को हम इफ़ेक्टिवली यहाँ पर एफिशिएंसी के साथ तेज़ी से कर पाएंगे, और प्रोडक्टिविटी जो यहाँ पर मतलब जो कंपनी का बेनिफिट है प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तीसरा आता है यहाँ पर इंश्योर एफिशिएंसी, वो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है इस मीन्स जो मैनेजर्स हो चाहे सुपरवाइज़र हो, ये लोग अपना जो रोल है इफ़ेक्टिवली यहाँ पर प्ले करेंगे बहुत ज़्यादा। ज़रूरत क्या है कि उनको जो उनके सबॉर्डिनेट से उनसे पोलाइटली बात करनी है, जहाँ गुस्से हो तो वहाँ पे गुस्से से बात कर ले, मगर ये नहीं कि बदतमीज़ी हर वक्त करे वो उनसे, और उनको ऐसा बर्ताव करें कि वो मशीन है जानवर है कि उनसे हम काम जो है खिंचवाते रहेंगे यहाँ पर।
तो यही चीज़ यहाँ पर जो है बहुत सारी स्टडीज़ हुई थी यहाँ पर, उसने भी पाया गया कि जब वर्कर्स हैं उनका जो बिहेवियर अलग अलग है यहाँ पर, एटीट्यूड अलग है उनका, इमोशन उनके अलग अलग है यहाँ पर। और ये ऐसा होता क्यों है कि मान लो कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं, एक है ए एक है बी, और जो यहाँ बैठा है इसका नाम हो गया ओ, ये इससे अच्छा बिहेव करता है, इससे अच्छा बिहेव नहीं कर सकता, नहीं करता वो यहाँ पर, तो इसका क्या होगा, इससे रिलेशन अच्छा होगा और इसमें क्या होगा यहाँ पर, तो ये काम भी अच्छे से करेगा। जब इसका बिहेवियर इससे अच्छा नहीं होगा तो ये काम को जानबूझ के ख़राब करेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि हटाए तो पाएगा नहीं मुझे जितनी जल्दी यहाँ से ये। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि इंसान क्या करेगा, काम को टेढ़ा मेढ़ा करना, इसने कहा कि तू ये काम कर ली, कुछ और काम करने लग जाएगा, बात को नहीं मानेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इससे रूड बिहेव करता है। तो इसको क्या करेगा, ये अपना एटीट्यूड शो करेगा। जब इससे प्यार से बात करता है तो इसका एटीट्यूड क्या रहेगा, प्यार वाला रहेगा कि मैं तुम्हारे नहीं काम अच्छे से कर देता हूँ यहाँ पर। तो वही चीज़ इसमें कहा गया कि जो हॉथरन स्टडीज़ है उसमें कहा गया था लोगों से कि आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे प्यार से बात करिए, समझाइए, मेल जुल के रहिए, दोस्ती बनाइए उनसे। तो वो जब चीज़ की गई तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी थी ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी। जाता है इन पर्टिकुलर इट बिकम क्लियर दैट द अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल वॉज सब्सिक्वेंटली लेस इफेक्टिव देन अ मोर डेमोक्रेटिक पार्टनर वो पार्टनरशिपेटिव अप्रोच। यानी कि हमने कहा कि जो अथॉरिटेरियन क्या होता है, किसी पे अपना राज चलाने वाला काम करना, मतलब कंपनी में कोई बंदा सीनियर तो आपका है तो वो अपना राज चलाएगा चलाएगा आपके, मगर अब ऐसा ही नहीं है कि भाई वो व्यवस्थित करने लग जाए आपसे किसी काम के लिए जो आपका काम है नहीं यहाँ पर, या व्यवस्थित करके ज़्यादा ज़्यादा काम करो तुम बैठ कर यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, वो इफ़ेक्टिव नहीं है। भले जो दूसरा हमने कहा कि जो डेमोक्रेटिक है, मतलब जो हमने कहा कि जो कम सीनियर है हमारा, हमने कहा कि सीनियर साहब यहाँ पर मेरा पानी का गिलास रखा है फिर ला के दे दोगे क्या, उनने ला दिया, ले भाई पी लिया पानी, और दूँ पूछ लिया उससे इस तरह से यहाँ पर उससे, तो उसका क्या होगा कि यार मुझे तो इज्जत दे रहा है बंदा काम के लिए, तो वो काम अच्छे से करेगा यहाँ पर, पार्टिसिपेटिव भी हो गया ना। अब हमने कहा नहीं खड़ा हो खुद जाके पानी पी, खुद काम कर अपना, खुद सामान ला, तो वो चीज़ बेकार है, उससे इफेक्टिवनेस नहीं आती। तो इसमें उन्होंने कई अप्रोच ली यहाँ पर कि मैनेजमेंट में जो सुपरविजन है इसमें कई सारे पार्ट्स आते हैं। पहला क्या है यहाँ पर, अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, इंसान की जो मानसिकता है उसको समझो सामने वाले की, जो काम करने वाला है कि उससे आप किस तरह से बात कर सकते हो। अगर वो खुद ही मिजाज का सख्त है तो उससे रूडली बिहेव कर सकते हो आप, और अगर करोगे तो काम ख़राब हो जाएगा, थोड़ा सा प्यार से बात कर लो उससे यहाँ पर, उसमें भी ये चीज़ है। फिर आता है यहाँ पर आर सेंसिटिव टू एम्प्लॉयज़, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सेंसिटिव रहो आप यहाँ पर। जैसे कंपनी में कोई यहाँ पर हमने कहा मैनेजर सुपरवाइज़र है, उसकी तबीयत ख़राब होती है तो हल्ला मच जाता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं भैया मालिक साहब हैं, सेठ हैं जी, अपना ही अपना राज है, हम तो यहाँ ठहरे जानवर मशीन है हम तो। तो वाला हिसाब नहीं चाहिए कि जब तबीयत ख़राब किसी नॉर्मल इंसान की भी हो, कोई दिक्कत साहब, मतलब कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर हो यहाँ पर, सोशल फैक्टर हो यहाँ पर, तो उसको भी इतना ही इम्पोर्टेंस हो जितना आप अपने सुपरविजर जो सुपरवाइज़र है मैनेजर है उसको देते हो यहाँ पर। सबके लिए सेंसिटिव रहो, इक्वल रहो, बिल्कुल भेदभाव ना करो। कम्युनिकेटिव इफ़ेक्टिवली, कि जो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे आप मतलब बातचीत जो है उसको कर बना के रखो, सलाम दुआ करो, हालचाल पूछो उनसे, क्या हो रहा है, कितना हुआ भाई, ला ये काम थोड़ा सा मैं कर दूँ, मतलब छोटा मोटा के, अच्छा ये चीज़ से कि पुर्जा ख़राब हो गया है, ले भाई मैं तो लग देता हूँ कर देते तो काम कर, क्योंकि भाई काम तो उसका ही फ़ायदा है सुपरवाइजर का इसके अंदर, ठीक है। आर सपोर्टिव एंड मोटिवेटिव, सपोर्ट करो जो काम अच्छा करे, उसका फीडबैक दो कि हाँ तूने अच्छा काम करा है, चल ले ये चीज़ खा ले, ये चीज़ कर ले, चलिए वो चीज़ चलती है कंपनी में, अगर करोगे तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगी इससे। देन आता है एम्पावर एम्प्लॉयज़ एंड अलाउ टू सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जब आपको कोई उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो भाई उनको चाहिए अथॉरिटी उस काम को करने के लिए। आपने कहा कि एक चीज़ है कि तो उसको पैकिंग कर दे डिब्बे की यहाँ पर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अथॉरिटी मिल जाए उसको पैक करने की, जो सामान उसको चाहिए उसको सामान का वो इस्तेमाल कर पाए। अब आप कहोगे नहीं ये भी मत ले, ये भी मत ले, पैक कर दो, कैसे करेगा भाई वो काम, तो वो आपके लिए रूड बिहेव करने लग जाएगा फिर आपसे यहाँ पर, वो तो चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप उसको अथॉरिटी भी दो और उसको काम भी दो यहाँ पर, दोनों चीज़ उसको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या कहा, टू द एक्सट्रीम, मतलब कि बहुत ही कम कंडीशन में यहाँ पर ऐसा होता है कि इफ़ मैनेजर डिसरिगार्डेड विद कंपनी पॉलिसी एंड टू एंड और बिकम टू क्लोजली अलाइंस विद वर्कर, दे वर फाउंड टू लिमिट प्रोडक्शन एंड सेबोटेज परफॉर्मेंस। इसमें ये कहा कि जो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं तो ये होती हैं भाई तुम
इनके ऊपर बैठे हुए सिर के ऊपर, जो एम्प्लॉय जो नौकर जो काम कर रहे हैं आपके अंडर, अगर वो उसको ना मानते हुए उनसे दोस्ती कर लेता है, उनको सपोर्ट करता है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है काम के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी यहाँ पर। देन आता है अपने चौथा प्रिंसिपल हमारा जो है, इस्टेब्लिश इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन यहाँ पर होती हैं, जो संस्थान के हिसाब से, जो संगठन के हिसाब से कंडीशन अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर। इसमें क्या है, फिजिकल वर्क कंडीशन आर सेफ एंड कंडक्टिव टू एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, कि जो इंसान की फिजिकल है कि उसके शरीर की हिफाजत हो यहाँ पे, कुछ को नुकसान ना पहुँचे काम करते हुए, मतलब कंपनी में ऐसा कोई इक्विपमेंट ना हो जिससे उसको नुकसान पहुँचे, अगर नुकसान पहुँचने का अंदेशा है तो उसको वहाँ पर सिक्योरिटी के टूल्स मिलने चाहिए यहाँ पर। देखिए दूसरा है यहाँ पे सोशल एंड अदर रिलेटेड वर्क कंडीशन प्रमोट एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या कहा गया कि सोशल, कि आप उसके साथ सोशल रहिए, बातचीत बना के रखिए, काम थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इससे आपका। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एंड बेनिफिट आर अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव, कि कोई एम्प्लॉय का कोई घाटा हो जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, तो आप कंपनसेशन जिसको दे दीजिए यहाँ पर। देन दूसरा कहा इन्होंने यहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए काम करने के उसको, जैसे कि हमने कहा कि बोनस वगैरह मिल जाता है, रिवार्ड मिल जाता है, वो मिलना चाहिए उसको। ये जो साइंटिफिक थ्योरी है उसके अंदर भी है, इसमें भी सेम है यहाँ पर। मैनेजर एंड सुपरवाइज़र हैव एंड यूज़ अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्किल, कि जो मैनेजर हों सुपरवाइज़र हों, वो प्यार मोहब्बत से काम लेना जानते हों। जहाँ प्यार मोहब्बत ना चले तो दांतों की भूत बातों से मानते हो, उस तरह से करना भी उनको आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि जानवर मान लो सामने वाले को। इनपुट फ्रॉम मैनेजर सुपरवाइज़र एंड एम्प्लॉयज़ इज़ इनकॉर्पोरेटेड इंटू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस एंड ऑल पार्टीज इंटरेस्ट आर एलिज्ड। ये दोनों पॉइंट मैंने पढ़ दिए हैं, मैनेजर हो, एम्प्लॉयज़ हो और सुपरवाइज़र हो, सब अपना जो योगदान है वो सही से दें। इससे क्या होगा, जब कंपनी का गोल जो है अचीव होगा, मतलब प्रॉफिट कंपनी को होगा, तो आपको भी फ़ायदा इससे होगा। देन आता है यहाँ पर, एज वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग हॉथरन एक्सपेरिमेंट, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल, फोर प्रिंसिपल है यहाँ पर हमने कहा, ये मेन प्रिंसिपल है, इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल और भी हो सकते हैं यहाँ पर, इन्हीं के सबॉर्डिनेट। अगर कंपनी इसको जैसे अपने यहाँ पर इसको अप्लाई कर डालती है, तो पक्का है कि उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, अचीव करेगी अपने गोल्स को यहाँ पर, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। और ये जो हमें पढ़ा, मतलब जो हमने पता चला हमें इस चीज़ के बारे में, ये हमने देखा हॉथरन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, जो बता दिया था मैंने आपको, ये शिकागो के अंदर एक कंपनी थी, स्टील कंपनी, उसका एक डिपार्टमेंट था स्टील कंपनी का ही, जहाँ पे वेल्डिंग वाला काम होता था, वहाँ पर वहीं पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये चार एक्सपेरिमेंट मेनली यहाँ पर किए गए थे। पहला एक्सपेरिमेंट इसमें था यहाँ पर, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, मतलब रोशनी को बढ़ाने घटाने वाला काम किया गया इसके अंदर। एक मान लो कंपनी के अंदर एक रूम बनाया गया जहाँ पे लोगों को अच्छी रोशनी प्रोवाइड की गई, अच्छा एयर कंडीशनर दी गई उनको यहाँ पर, इन्वायरमेंट थोड़ा साफ रखा गया उनके अंदर यहाँ पर। तो फिर चेक किया गया कि क्या पर्पस था इसको चेक करने का, ये था, इट वाज कंडक्ट टू चेक इफेक्टिव ऑफ लाइटनिंग इन इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब जो कंपनी के जो लाइटनिंग है, अब मान लो कहीं डिम सी लाइट है, अंधेरा सा हो रहा है, तो आपको नींद सी आने लग जाएगी काम करने के अंदर, अक्सर वाकई में आती है लोगों को, होता भी है, और आपका मन उखड़ा उखड़ा रहता है कि यार कहाँ मैं कचरे में आगे पड़ गया काम करने के लिए, किस कबाड़ में काम करने आ गया मैं। वहीं पर कंपनी में रोशनी अच्छी हो, एयर कंडीशनिंग अच्छी हो, मतलब हवा के लिए खिड़की वगैरह बनी हुई हो, वहाँ पर पानी मिल जाए उनको, वेदर कंडीशन अच्छी हो, वहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा हो, तो इंसान का खुद ब खुद मन लगता है काम करने में। वरना क्या है, कंपनी में जाता है इंसान, काम करता है, और मजबूरी उसकी होती है, उसको चाहिए होता है पैसा खर्चा खर्चा लाने के लिए, तो वो काम करता है। अगर कंडीशन अच्छी होंगी तो वो काम अच्छे से कर पाएगा, दिल लगा के करेगा काम। तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पर दो ग्रुप्स क्रिएट किए गए, बनाए गए यहाँ पर फीमेल्स के, औरतों के। इसमें दोनों में छः छः मेंबर थे, मतलब 12 जो वीमेंस यहाँ पर ली गई थी फीमेल यहाँ पर वर्कर। इसमें क्या किया गया, दोनों रूम्स के अंदर अलग अलग रूम बनाया गया ग्रुप के अंदर, किसी रूम में लाइटिंग बढ़ाई गई, किसी रूम में लाइटिंग घटाई गई, कभी एक या ए रूम है यहाँ पर लाइटिंग बढ़ा दी गई, कभी बी रूम में बढ़ा दी गई लाइटिंग यहाँ पर, कभी बी में बढ़ाई गई तो ए में घटा दी गई यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर चलती रही, यहाँ पर एयर कंडीशनिंग ख़राब की गई, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर की गई इसके अंदर। तो ये चेक करने के लिए कि जो लाइटनिंग वगैरह है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कि ये
प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा उससे या घटेगा। इसमें क्या पाया गया, शुरुआत में क्या हुआ, यहाँ पे जब हम बात करते हैं कई दिन तक एक्सपेरिमेंट हुआ, भाई 3 साल एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर, क्योंकि एक दिन में पता चलता नहीं इंसान के बारे में कि उसका मजा बदलता कैसे है यहाँ पर, तो 3 साल लगे चीज़ों करने में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये देखा गया कि जब लाइटनिंग बढ़ाई गई तो एफिशिएंसी बढ़ गई काम के अंदर, काम बढ़ गया, मतलब जो मज़दूर थे जो एम्प्लॉयज़ थे वो ज़्यादा काम करने लग गए कंपनी में। तो यही रहा शुरुआत में, वो घटा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। जब 3 साल होने को और आए, जब लाइटनिंग लगातार घटती रही और हालत यहाँ पर हो गई कि वो चांद की रोशनी के बराबर लाइट कर दी उन्होंने, मतलब बिल्कुल डिम लाइट में काम करवाने लग गए उन लोगों से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फ़ायदा था, जो जो इफ़ेक्टिवनेस थी वो गिर गई लास्ट में। देखो लास्ट में क्या हुआ, इफ़ेक्टिवनेस जो है वो थोड़ी सी गिर गई, यहाँ पर कम हो गया काम यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पे क्या पाया गया, होथोर्न एक्सपेरिमेंट की जो फर्स्ट पार्ट था एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, इसमें यह पाया गया कि जो लाइटनिंग है उसका प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मार्जिनली फ़र्क पड़ता, क्योंकि जो काम करने के नहीं आता वो काम को करता है फिर भी, चाहे लाइटनिंग कम हो। देन दूसरा आता है यहाँ पर रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ये रिले असेंबली थी, मतलब यहाँ पर जहाँ पर सामान जो कन्वेयर बेल्ट वगैरह होती है वहाँ काम बनता है, वो चीज़ थी यहाँ पर। ये हुआ 1928 से 1924 से 1928 तक, वो हुआ था पहले वाला जिसमें हमने कहा इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो होता है यहाँ पर, वो हुआ था 1924 से ही और 27 में ख़त्म हो गया था, ये 1 साल ज़्यादा चला। इसका मकसद क्या था यहाँ पर, रीज़न क्या था, टू चेक इफेक्टिव ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, और ये कामयाब भी रहा बड़ा। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो वर्कर्स थे वही थे यहाँ पर, जो वर्कर लिए गए थे फीमेल ली गई थी वापस से यहाँ पर, इसमें क्या किया गया, उनको शॉर्टर वर्किंग आवर दिए गए यहाँ पर। मान लो 10 घंटे की जॉब का टाइमिंग था उनसे, तो उनको आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले भेजा गया, फिर उनको 2 घंटे पहले भेजा गया यहाँ पर, ठीक है। इम्प्रूव वर्क कंडीशन, जो कंडीशन अच्छी करी गई यहाँ पर, मतलब फैसिलिटी ज़्यादा मिलने लग गई उनको यहाँ पर। प्रॉपर रेस्ट पीरियड मिला कि 1 घंटे तुम रेस्ट कर लो आराम से। देन यहाँ आया फ्रेंडली सुपरविजन, जो सुपरवाइज़र से उनसे कहा गया कि आप इनसे अच्छे से बात करो, मिलजुल के रहो इनके साथ। प्रोविज़न ऑफ रिफ्रेशमेंट लाइक टी, फ्री सोशल इंटरेक्शन अमंग ग्रुप मेंबर एंड सो ऑन, प्रोडक्टिविटी एंड मोरल इंक्रीज्ड, हो गया काम। इसमें क्या हुआ कि सुपरवाइज़र ने बात अच्छे से करी, चाय मिलने लग गए, बीच में जो ब्रेक हुआ 15-20 मिनट के लिए चाय का ब्रेक अलग मिला यहाँ पर उनको, और उनको ये आज़ादी मिल गई कि जो लोग काम कर रहे हैं आपस में बैठ के वो बात भी कर सकते हैं, गप्पे मार सकती हैं औरतें यहाँ पर। और इससे क्या हुआ भैया, इंक्रीज़ हुआ, मोराल भी इंक्रीज़ हुआ, उनका मन लगा काम करने में, उन्होंने काम ज़्यादा से ज़्यादा करा और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई यहाँ पर। इससे क्या हुआ भाई, क्या हुआ, एवरी यूज़फुल कंडीशन एक्सपेंडेड एट इट्स पीक एंड देन दिस कंडीशन रिमूव टू चेक देयर प्रोडक्टिविटी। मतलब 4 साल तक बढ़ाई गई, जब लास्ट का टाइम आया एकदम से गिरा दी गई यहाँ पर, और चेक किया गया कि अब क्या होता है। तो इन्होंने क्या पाया कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं और जो सोशल फैक्टर है, मेंटल फैक्टर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर इफ़ेक्ट करा है प्रोडक्टिविटी को बाकायदा यहाँ पर। इसमें क्या हुआ है, जब आप अच्छी कंडीशन दोगे लोगों को तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तीसरा यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, वो हुआ यहाँ पर मास इंटरव्यू प्रोग्राम इन होथोर्न एक्सपेरिमेंट 1928 से 1931 तक ही किया गया। इसका गोल क्या था यहाँ पर, कि जो लोग काम करने वहाँ पर आते हैं, द गोल ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन द रिप्रेजेंटेटिव माइंडसेट दैट वुड हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर वर्किंग सिचुएशन टू देम। जो लोग काम करने आते हैं वो अपनी जो सिचुएशन है उससे खुश हैं या नहीं, उनको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या हो चाहते हैं कि चीज़ें बंद होनी चाहिए कंपनी में, वो चीज़ चेक की गई यहाँ पर। तो इस पर स्पेशलिस्ट थे जो साइंटिस्ट थे यहाँ पर, रिसर्चर थे, उन्होंने लोगों से बात करी, उनको इंटरव्यू लिए और लिखा उनको 3 साल तक। उन्होंने क्या पाया यहाँ पर, फर्स्ट एंड इमीडिएट मेथोलॉजी वॉज यूज बाय विच मीटिंग मेड इंक्वायरी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय ऑब्जर्वर एंड साइंटिस्ट। उन्होंने लोगों से बातें करी कि आपको अच्छा लगता है काम करने में, कैसा लगता है, मिजाज कैसा है, जो सुपरवाइज़र है आपका कैसे बात करता है, सफाई वगैरह है या नहीं, टी ब्रेक वगैरह मिलता है नहीं मिलता आपको, तो कंपनी अच्छी है, सैलरी अच्छी मिलती है, इंसेंटिव मिलता है आपको, ठीक है।
देन यहाँ पर क्या हुआ, जो लोगों ने आंसर दिए थे उन्होंने मैचिंग करी कि कितना आंसर यहाँ पे पॉजिटिव है, कितना पार्ट इसका नेगेटिव है। मतलब वही जैसे हम देखते हैं कि जब जाते हैं हम अमेज़ॉन के ऊपर चेक करते हैं कि भैया वर्दी है, वर्दी मनी है, मतलब पैसा जब हम खर्च करेंगे पैसे के लिए अच्छा है खर्च करना, यानी यूज़फुल है, और हम ही कहते हैं कि भाई लाइफ टाइम इस्तेमाल करने लायक, मतलब काफ़ी जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है ज़्यादा है या नहीं है, तो वो चीज़ों को मैच किया गया। यहाँ पे 5 स्टार आ गए, यहाँ पे 2 स्टार दिए गए, यहाँ पे 3 स्टार दे दिए गए। वही चीज़ इसके अंदर हुई कि लोगों ने इतना इतना इसको दिया यहाँ पर इंपॉर्टेंस। एज रिजल्ट दिस अप्रोच वॉज रिप्लेस बाय अ राउंड एंड क्लॉक मेथड। इसको फिर से घुमा के दोबारा से, मतलब पहले क्या किया गया, कंडीशन अच्छी दी गई, पूछा गया लोगों से कि क्या कंडीशन है, फिर कंडीशन दी गई बुरी, दोबारा बुलाया कि भाई तुम्हें क्या चाहिए चेंजेस यहाँ पे कंपनी के अंदर, तो राउंड अबाउट से जो सर्कल था वो चलाया गया और जो निकल आया गया पाया कि यहाँ पे सोशल एलिमेंट एट वर्क इन फुल वर्क प्लेस, कि लोगों को जो सोशल इन्वायरमेंट चाहिए, एलिमेंट चाहिए, वो ज़रूरी है वर्क प्लेस में, जब भी वो सही से काम कर पाएंगे, उनकी जो उनकी नीड्स होनी चाहिए पूरी होनी चाहिए। देन 4 आता है हमारा बैंक राइटिंग, वो वायरिंग रूम स्टडी। ये वायरिंग रूम स्टडी मतलब जहाँ पर वेल्डिंग वगैरह होती थी, यहाँ पर वायरिंग के काम करने वाले थे, यहाँ पर 12 लोगों को लिया गया था, 14 वर्कर थे, इसमें से 8 इनके वायरिंग करने वाले थे, 6 लोग इनके दूसरे और भी थे यहाँ पर लिए गए थे। इसमें क्या किया गया यहाँ पर, टू ऑब्जर्व अ ग्रुप बिहेवियर ऑफ वर्कर एंड डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप नॉर्म्स ऑन प्रोडक्टिविटी। ये क्या है, इसमें चेक किया गया लोगों का कि जो लोग काम करने आते हैं वो कैसे काम करते हैं यहाँ पर, जो इनफॉर्मल ग्रुप बनते हैं। मान लो कंपनी का मालिक बैठा हुआ है यहाँ पर, उसने 5 लोग का अपॉइंट कर दिया, भाई तुम काम करते हो, मैं घर पर बैठा हुआ सो रहा हूँ, आराम करूँगा, ये मतलब सप्लाई का काम मैं कर दूँगा, जो माल लेकर आना है वो मिला दूँगा तुम्हें यहाँ पर, जो ऑर्डर पकड़ने को पकड़ लूँगा मैं यहाँ पर। तो ये काम किया गया, अब जो काम करने के जो लोग बैठे हैं वहाँ पर उनका अपना ग्रुप बन गया। उसने कहा कि भाई काम को कम कर, जितना कम करेगा उतने ऑर्डर मालिक कम लाएगा, बंदे लगाएगा काम करने के लिए, काम को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जो सैलरी मिलनी है मिलनी हमें उतनी है, चाहे ज़्यादा काम करें चाहे कम काम कर लें हम यहाँ पर। तो ये ग्रुप जो है, इसमें कहा गया कि जो इनफॉर्मल ग्रुप हैं, जो कंपनी की फॉर्मल पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनका अपना आउटपुट नॉर्म्स होता है कि ये इतना ही प्रोडक्शन करेंगे। मान लो एक चीज़ हमने कही कि कंपनी के अंदर ये कहा गया कि 100 बुक्स एक दिन के अंदर छपनी चाहिए यहाँ पर। अब उनको मालूम है कि हम 100 छाप लें या 80 छाप लें, मिलने हमें तो नहीं सैलरी है यहाँ पर, तो वो जानबूझ के कम छपाई करेंगे ताकि जो बर्डन है वो कंपनी उन पर ना बढ़ाए और ज़्यादा, ठीक है। देन वुड प्रोडक्ट ओनली दैट मच सो दैट नाउ वर्कर कैन बी थ्रोन आउट फॉर अंडर परफॉर्मिंग। इन्होंने इतना वर्कर काम क्यों कम करा यहाँ पर, ये ऐसा ना लगे कि कंपनी के अंदर कोई खाली बैठा हुआ है। मतलब अगर हम मान लो जो काम 10 लोग कर रहे हैं, 10 लोग एक दिन के अंदर 10 बुक को यहाँ पर छाप रहे हैं, फिर जो 10 लोग हैं ये एक दिन के अंदर, सॉरी मैंने 100 लिख दिया, एक दिन के अंदर 12 बुक छाप रहे हैं, तो पता चलता है कि एक बंदा फालतू है कंपनी में, एक या मतलब जो हिसाब बनेगा उस हिसाब से देखेंगे हम, तो ऐसा ना हो पाए कि कंपनी में उसको बाहर निकाल दिया जाए। ये जो कंपनी में लोअर लेवल के जो वर्कर्स होते हैं उनकी 60-60 चलती है इस तरह से, और वाकई में ऐसा होता है। एज इट वॉज फियर दैट द इफ़ प्रोडक्टिविटी वुड बी हायर सम वर्कर माइट बी फायर्ड, हायर्ड और फायर्ड, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो किसी की जॉब गई यहाँ पर। इसमें कई नाम निकल कर आते हैं जिसमें कंपनी में कहा गया कि भाई तेरा क्या था यहाँ पर, रेड बस्टर हु ट्राई टू प्रोड्यूस मोर देन ग्रुप नॉर्म एंड वर पनिश और हैरेस्ड। ये क्या था, रेड बस्टर मतलब मालिक का चमचा, कि चमचागिरी करेंगे हम यहाँ पर, जिसको लोग आमतौर पे हम कहते हैं कि जब मालिक ने कहा कि तुझे 100 पीस बनाने, उसने कहा मालिक मैंने तो 105 पीस बनाए, आपका फ़ायदा करवा दिया मैंने, चमचागिरी करने के चक्कर में लगे रहते हैं ऐसे लोग। तो इनको क्या होता है, जो ग्रुप होते हैं वो उनको पनिश करते थे यहाँ पर कि तूने बनाया कैसे फालतू यहाँ पर, तू चमचागिरी कर दिया कम मालिक की यहाँ पर। दूसरा था यहाँ पर चेसेलर, जो कि काम बहुत हल्के से करता था, वजह क्या थी, ज़्यादा काम करूँगा तो और काम मिल जाएगा यहाँ पर, तो काम को आराम से किया जाए बैठ के, और लोग करते भी हैं अक्सर यही। फिर आता है स्क्वेलर्स यहाँ पे, हु कंप्लेन टू द सुपरवाइज़र, मतलब ये भी वही चमचा कंपनी के अंदर मालिक का, इसमें वो करता था ये काम के, जैसे कि ये काम जल्दी करता है, ये काम नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है, वो मोबाइल चला रहा है, वो टिकटॉक चला रहा है, वो चैटिंग कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से, सर देखो काम नहीं हो रहा कंपनी के अंदर, ये वो चमचा था यहाँ पर।
तो ये नाम दिए गए और इनको भी पनिशमेंट बाद में मिलती थी कि हाँ भाई तुमने चमचागिरी करी है, अब तेरा बॉयकॉट होगा, हम तो ये चाय पानी नहीं पिलाएंगे, तेरे बात नहीं करेंगे हम। और जहाँ मालिक आएगा कहेंगे ये चाय, ये मोबाइल में पबजी खेल रहा था यहाँ पर। तो ये लोग ऐसे करते थे, ऐसा होता था इसके अंदर। तो ये पाया गया कि कंपनी के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर हुआ वायरिंग रूम के अंदर, इसमें ये पाया गया कि जब कंपनी जो टारगेट देती है जो वर्कर होते हैं उससे कम काम करते हैं थोड़ा, कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ ना पाया जानबूझकर, प्रोडक्शन बढ़ा मतलब प्रोडक्शन हायर्ड एंड समवन विल फायर्ड। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हुए थे और ये इनके प्रिंसिपल निकल के इस तरह से आते हैं कि सुपरवाइज़र को प्यार से बात करनी चाहिए, इंडिविजुअल को मोटिवेट करना चाहिए, यहाँ पर वर्किंग कंडीशन जो हमारी है वो यहाँ पर अच्छी से अच्छी जो है होनी चाहिए, प्रमोट हो, पॉजिटिव जो ग्रुप यहाँ पर मतलब बात करते हैं जो ग्रुपिज्म जो कहते हैं जिसको हम यहाँ पर, तो ये चीज़ें कंपनी में होंगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा यहाँ पर। देन देखते हैं हम कुछ फीचर्स क्या है यहाँ पर, बीच पे चीखता हुआ कोई इंसान बार बार आ जा रहा है, यहाँ पर कोई चमचा आ रहा पीछे से बार बार। तो ये जो है हम यहीं तक बात करेंगे, जो बेसिक प्रिंसिपल समझा चुका हूँ मैं आपको, डबल डबल हो चुका है यहाँ पर ये। तो पहला इसके अंदर फीचर क्या है यहाँ पर, अ बिजनेस एसोसिएशन इज़ फंडामेंटली अ सोशल फ्रेमवर्क, इट इज़ नॉट सिंपली अ टेक्नो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। इसमें ये कहा गया कि जो कोई कंपनी है उसको होना क्या चाहिए यहाँ पर, फंडामेंटल तौर मतलब बेसिकली उसको बुनियादी तौर पर यहाँ पर एक सोशल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि लोग मिलजुल के जहाँ पर काम करते हो वहाँ, यानी हो ये ना हो कि इंसान मशीन है उससे हम काम करवाएंगे और नोट कमाएंगे, कमाएंगे नोट ज़रूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेंगे, सही से काम भी करेंगे, मगर प्यार मोहब्बत से मिलजुल के सबका फ़ायदा होना चाहिए यहाँ पर। दूसरा है, बिजनेस कैन बी इंस्पायर्ड बाय मेंटल एंड सोशल नीड सिंस इट कंडक्ट इन एडिशनली अफेक्टेड बाय सेंटीमेंट्स फीलिंग एंड परस्पेक्टिव। इसमें कहा गया कि जो बिजनेस है वो इंस्पायर्ड होगा इंसान की सोशल और मेंटल नीड से, मतलब जब वो काम करेगा जब करेगा उसको सोशल नीड अच्छी मिलेगी और उसको इज्जत मिलेगी, यहाँ पर प्रॉफिट हम क्या कहते हैं मोटिवेशन करेंगे हम यहाँ पर, तो इससे क्या होगा जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। तीसरा आता है यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव शुड फिगर आउट हाउ टू फॉस्टर ई एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ मेंटलिस्ट एंड नॉट डिपेंड जस्ट वन ऑर्डर ऑन ऑर्डर। इसमें क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है उनको जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं जो उसमें काम करते हैं उनके अंडर उनके साथ कैसे बिहेव करना है वो चीज़ सही से होनी चाहिए। सपोर्ट टर्न इनटू सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट इन ह्यूमन रिलेशन, अब थोड़ा सपोर्ट कर दो उनको काम में, थोड़ा सा हेल्प कर दो, इससे क्या होगा आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए काम चाहिए तो आपका काम बढ़ेगा और आप जो मालिक है उससे बोल सकते हो कि भाई मेरी आपके ग्रुप ने इतना काम करा है। फिर यूज़फुलनेस है, इस कनेक्टेड विद द रिप्रेजेंटेटिव फुलफिलमेंट इन एनी बिजनेस एसोसिएशन, के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं चाय मिलना, पानी मिलना, पंखा हो अच्छा लगा हुआ, एयर कंडीशन अच्छी हो, इन्वायरमेंट हो, साफ सफाई हो वहाँ पर और लाइटनिंग अच्छी हो, तो ये चीज़ें हैं उनको मिलनी चाहिए यहाँ पर। जब ये चीज़ें मिलेंगी तो क्या होगा भाई काम अच्छा होगा यहाँ पर। बंच ब्रेन रिसर्च अज्यूम अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन एनी बिजनेस एसोसिएट, मतलब जो ग्रुप का जो दिमाग चलता है ना वो भी भाई बहुत ही यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है कि उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। देस फिफ्थ यहाँ पर आता है, फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, न्यू ओल्ड स्टाइल हाइपोथेसिस इज दैट द मैन इज लीविंग मशीन एंड ही इज अनडेनिबली मोर सिग्निफिकेंट देन द लाइफलेस मशीन। इसमें कहा गया कि जो एक पुरानी सोच चली आ रही है हमारी कि इंसान क्या है यहाँ पर कि ये लिविंग जीती जाती मशीन है यहाँ पर और ये काम कर सकती है दवा के, वो चीज़ को यहाँ पर कर सकती है लाइफ टाइम जो मशीन है उससे बेहतर है इंसान, जब तक जिया तक काम करेगा इफ़ेक्टिवनेस भी इसके काम में रहेगी, मगर वही कंडीशन चाहिए उसको यहाँ पर, ठीक है। और इंसान की स्पीड पे है कि उसके अंदर कितनी जिज्ञासा है काम करने की। तो ये तो कंप्लीट हम पहले ही कर चुके हैं, बट इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ पर। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यहाँ पर एल्टन जो मायो हैं सबसे पहले उन्होंने ही सही से लिखा था इसको इस बारे में, और बाद में बहुत सारे यहाँ पे थ्योरिस्ट आएंगे वो उसको चेंजेस करेंगे उसके अंदर, फिर इसका भी क्रिटिसिज्म किया जाएगा यहाँ पर, वो चीज़ चलती है दुनिया के अंदर कौन सबरसेप चैन से बैठता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको ही बता देना वीडियो के बारे में, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और यूज़फुल ज़्यादा ही हो गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।